श्री अग्रसेन भगवान की 5148वीं जन्म जयंती अवसर पर अग्रवाल समाज समिति जयपुर की ओर से 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में अग्रवाल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में महोत्सव का पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज समिति जयपुर के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला, उपाध्यक्ष पवन गोयल, समारोह अध्यक्ष ओपी अग्रवाल, जयंती मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल समेत समाज बंधु मौजूद रहे। अध्यक्ष चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला और उपाध्यक्ष पवन गोयल ने बताया कि 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर को अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा से होगी। शोभा यात्रा से पूर्व ध्वजारोहण और पूजा अर्चना कर आरती की जाएगी। शोभा यात्रा अग्रवाल सेवा सदन चांदपोल से रवाना होकर छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट होते हुए अग्रवाल कॉलेज पहुंचकर समाप्त होगी। शोभा यात्रा शाही लवाजमे के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 5100 महिलाएं एक जैसी साड़ियों में नजर आएंगी। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधायक कालीचरण सर्राफ समेत अनेक जनप्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। तो वहीं शोभा यात्रा के तहत 5 अक्टूबर को महिला सम्मेलन का आयोजन होगा, 6 अक्टूबर को मेडिकल कैंप तथा 7 अक्टूबर को समापन होगा। तारीख को सुबह ध्वजारोहण होगा अपने अग्रवाल कॉलेज में, उसके बाद सायंकाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 5 तारीख को महिला सम्मेलन होगा और 6 तारीख को मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और 7 तारीख को समापन और सम्मान समारोह होगा। सम्मान समारोह में क्या रहेगा? सम्मान समारोह में दिया कुमार जी और कालीचंद जी सराफ, ये लोग वहाँ पे आएंगे और हमारे जो जयपुर के गणमान्य लोग हैं, IAS, IPS वगैरह सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे। पहली दफ़े हमको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे बच्चे टॉपर हैं उन लोगों का, हमारी जयपुर की उप नगरी संस्थाओं का, उनका सबका मिलाकर के जो करीबन 40 संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष महामंत्री भी पधारेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि सब लोग मिल करके जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वाहन रैली के रूप में जिसमें 500 से अधिक वाहन शामिल हुए थे। अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो 3 तारीख को है। 3 तारीख को सुबह ध्वजारोहण और पूजा अर्चना से शुरुआत होगी और 4 बजे शोभा यात्रा जो चांदपोल बाजार सेवा सदन से निकलेगी और छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार होती हुई अग्रवाल कॉलेज प्रांगण में पहुंचेगी। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है 5 तारीख का, जिसमें 1500 से ज़्यादा महिलाएँ शामिल होंगी और रंगारंग कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके बाद 6 तारीख को हमारा मेडिकल कैंप है। इस मेडिकल में हम पहली बार जो कैंसर, जो सबसे महंगी जांच होती है, उसकी जांच हम फ्री ऑफ चार्ज यहाँ करेंगे, क्योंकि जो कैंसर होता है वो 4th या 5th स्टेज में पता चलता है। ये जो हम जांच यहाँ पे कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे भी पता चल जाएगा। तो ये मेडिकल कैंप भी बहुत विशाल रूप से होने जा रहा है। इसके बाद हमारा जो 7 तारीख को समापन और सम्मान समारोह है वो BM बिरला ऑडिटोरियम में रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी पधारेंगी। साथ ही जितने भी हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान किया जाएगा और साथ ही जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका सम्मान किया जाएगा। जो हमारे समाज के रत्न हैं, जो व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं और समाज सेवा में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, उनका सम्मान किया जाएगा और जितनी भी हमारी उपनगरीय समिति हैं उनके पदाधिकारियों का भी वहाँ पे पूरा मान सम्मान किया जाएगा। तो इस तरह की हमारा पूरी रूपरेखा है इस कार्यक्रम की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी अग्रबंधु हैं वो अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा में विभिन्न कार्यक्रमों में पधारें और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। मैं पवन गोयल, उपाध्यक्ष श्री अग्रवाल समाज समिति जयपुर। महिला सम्मेलन में हम पूरे जयपुर की उप समिति आए हैं, उप समितियों की हर महिलाओं को जोड़ने प्रयास कर रहे हैं और कांटेक्ट भी हमारे हो गए हैं और बहुत सारी महिला, कम से कम 1000 महिलाएं तो हमारी कम से कम इस सम्मेलन में आने वाली हैं। उनके लिए हम विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम लेके आए हैं और सुबह से प्रोग्राम चालू होगा हमारा, 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जिसे बच्चों के लिए भी है, कुछ प्रतियोगिताएँ भी रखी हैं, महिलाओं के लिए रखी है, मेहंदी है, रंगोली है और नॉन फायर कुकिंग भी है, काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स हैं। शाम को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले हैं जिसमें राजस्थानी डांसेज हैं, कुछ अग्रसेन जी से रिलेटेड है कि अग्रसेन जी के बारे में
मैसेज जाए सारी दुनिया को कि हम अग्रवंश में हैं और अग्रवंश के हमारे हमारे जो अग्रसेन जी महाराज थे वो हमारे अग्रदूत थे जिन्होंने अग्रवंश की स्थापना करी थी, उसके मैसेज को लेके हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ही हम ये मैसेज पहुँचाएंगे महिलाओं को जोड़ना। महिलाओं का ड्रेस कोड रहेगा बिल्कुल एक ही ड्रेस कोड में रहेगा ताकि वो लगे तो सही कि यूनिटी है, उनमें एकता है।